बैतूल के कलेक्टर कार्यालय में कर्मचारियों की कोरोना रैंडम सैंपलिंग ली गई। यह सैंपलिंग कलेक्टर राकेश सिंह के निर्देश पर हुई। CMHO से मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा कलेक्टर के आदेश पर कलेक्ट्रेट में कार्यरत कर्मचारियों की कोरोना जांच की गई है। यह जांच रैंडम तौर पर की गई है, जिसमें 9 कर्मचारियों के सैंपल लिए गए हैं। यह सैंपल कल भेजे जाएंगे, जिनकी अगले दिन रिपोर्ट आएगी। उन्होंने कलेक्टर बैतूल की पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि कलेक्ट्रेट शासकीय कार्यालय है, जहां कई लोग रोज अपने आवेदन पत्र एवं समस्याओं के निराकरण के काम से आते हैं। ऐसे में शासकीय सेवकों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही यदि कोई कर्मचारी संक्रमित हो तो उनसे भी संक्रमण आगे फैल सकता है। CMHO ने बताया, कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासकीय कार्यालय में रैंडम सैंपलिंग कराना अच्छा कदम है। इससे कोरोना संबंधित स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, साथ ही आवश्यक कदम भी समय पर उठाए जा सकेंगे। गौरतलब है कि जिले में कोरोना से अब तक 14 मौत हो चुकी है, वहीं 165 एक्टिव केस हैं। सर, आज कलेक्ट्रेट में कोविड की जांच की गई है, क्या इसके पीछे उद्देश्य, कितने लोग? नहीं, एक्चुअली कोविड का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और कलेक्ट्रेट में क्या दूर दूर से लोग आते हैं अपनी आवेदन पत्र लेके समस्या के निराकरण के लिए, और जगह से पूरे ब्लॉक लेवल से लोग आते, तो एक उसको संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए एक रैंडम सैंपलिंग माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार की गई है। और कोई ऐसा स्पेशली एक रैंडम सैंपलिंग हुई, 9 लोगों की सैंपलिंग हुई, जिसके आज सैंपल लिए गए। कल उनके सैंपल जाएंगे, परसों शाम तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। आगे भी सर अन्य शासकीय कार्यालय बिल्कुल होना चाहिए, जहाँ आप बिल्कुल अच्छा पहल है माननीय कलेक्टर महोदय की, और जो शासकीय कार्यालय हैं और जहाँ बाहर के लोगों को आना जाना है, जिला लेवल के कार्यालय जहाँ बाहर के लोग आते हैं, तो वहाँ एक रैंडम सैंपलिंग हुई, उससे आइडिया भी लग जाएगा कि कितना इन्फेक्टिविटी है, और कोई कर्मचारी तो ग्रसित नहीं है, क्योंकि उस कर्मचारी और आगे संक्रमण फैला सकता है। तो एक अच्छी पहल माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा।